हेलो गाइस, तो आज हम लोग ये आप देख सकते हैं गाड़ी स्विफ्ट है, 2013-14 की मॉडल है। ये आपको दिखा देता हूँ बाहर से, गाड़ी स्टार्ट है, आरपीएम देख सकते हैं आप। ये है गाड़ी, वो तो अभी हम लोग इस गाड़ी को मतलब अपने ओबीडी स्टार से इसका इसी हम बाया ओबीडी रीड करेंगे जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो पहले हम लोग करेंगे इसकी गाड़ी बंद कर देंगे इसको, ये हम लोग ने बंद कर दिया है, इग्निशन ऑन, ओके। ये हमारा ओबीडी, ये ओबीडी स्टार, ओबीडी का केबल, ये हम लोग यहाँ पे लगा देंगे इसको। ये हो गया कनेक्ट, ये हमारा ब्रांड में जाएंगे सुजुकी में, जैसे कि ये दिखा रहा है हमारा मैग्नेट मार्ली, मतलब हमारे जैसे ये ऐसे ब्रांड में जाएंगे। आपको वापस से एक बार दिखा रहा हूँ, ये हमारे सुजुकी में जाएंगे हम लोग, सुजुकी दिख रहा होगा आपको, इसमें क्लिक करना है। सबसे लास्ट ऑप्शन अपना जो है उस पर क्लिक करना है, इस पर करके ट्राई कर रहे हैं हम लोग रीड होने का, जो कि इसमें जाके हम ट्राई करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं स्टार्ट, हम लोग करें काम ओबीडी के थ्रू, ओबीडी पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये बोल रहा है सर्वर से कनेक्ट, ओके कर देंगे, सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। ये हमें चेक करना है कि आज मतलब इससे काम हो जा रहा है क्या। तो हमें एक कैश आता है, वो कैश लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो बाय ओबीडी रीड करता है। तो हम लोग करेंगे इसको कनेक्ट, तो ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है, ये होता है कि नहीं देख लेते। अगर ये हो गया तो मतलब बहुत ही इजी काम हो जाएगा, जिस जो लोग स्पीड अनलॉक का भी काम करते हैं, जो बहुत से चीज़ों का काम करते हैं, उसको एक बार बंद करके वापस करते हैं प्रॉपर तरीके से, या किसी को आईसी फ्लैश आईसी या कुछ भी डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा इससे। क्या ये मैंने कनेक्टर निकाल दिया था जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इशू आ गया हो। ओबीडी ओके, सर्वर से कनेक्ट, कनेक्ट टू इश्यू करते हैं, ये देख सकते हैं मतलब ये हो गया कनेक्ट, जो ये आ गया ऑप्शन रीड राइट का ऑप्शन आ चुका है, और ये प्रॉपर तरीके से एकदम ही प्रॉपर तरीके से गाड़ी रीड हो चुकी है, मतलब उसका ईसीएम रीड। तो पहले हम लोग करेंगे इसकी एमसीयू रीड होता है कि नहीं चेक कर लेते। हम लोग ने क्लिक किया, ये चालू हो गई रीडिंग, रीडिंग एकदम अच्छे से चालू है इसकी। फ्लैश कौन सी एमसीयू फ्लैश रीड हो रहा है, ये जो MPC563 आता है वो रीड हो रहा है। तो इसको अच्छे से पहले रीड कर लेंगे, मतलब ये सक्सेसफुल रीड हो जा रहा है इससे, अभी तो चेक कर रहे हैं। अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, जो बहुत से काम मतलब जो सबसे ज़्यादा इसमें मोस्टली काम होता है कि हम फ्लैश को रीड कर सकते हैं, पर ईप्रोम रीड नहीं होता, ईप्रोम के लिए फिर इसको कोडिंग ही करना पड़ता है या केटेक से रीड करना पड़ता है बहुत दूसरे डिवाइसों से। तो हम लोग इससे देख लेंगे, अगर इससे हो गया काम तो रीड अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो 100% सक्सेसफुल राइड भी होगा, बिकॉज रीड होने के लिए जो चाहिए उसको बाय ओबीडी वो उसको कनेक्शन मिल रहे हैं। और ये अभी देखते हैं ये फ्लैश उसका एमसीयू का इस फ्लैश आईसी रीड कर रहा है, उसके अंदर का डेटा रीड कर रहा है, ये रीड होने देते हैं।
इग्निशन ऑन है हमारा, जहाँ तक कि दिखा देता हूँ आपको, सिंबल देख सकते हैं हमारे स्विफ्ट की, सुजुकी की सिंबल है, ये दिखा दिया, रीड हो चुका है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं इसका आ गया है कि मतलब ये MPC 53 का हम लोग ने रीड किया। इसको लिख देंगे हम लोग MCU Shift MPC 463। ओके करेंगे, ये हो गया सेव, यहाँ आपको दिख रहा होगा फिनिश हो गया, हमें ये रीड हो गया। अब हम रीड करेंगे इसकी जो फ्लैश आईसी आती है इसको, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये इसको भी चालू कर दिया इसने रीड करना। ये इससे काम होने से आपका सबसे बड़ा ये काम हो गया कि आपको 2-3 डिवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कॉम्बो डिवाइस बन गया है, जो बोला जाए तो 90% के ऊपर मेरे हिसाब से काम हो जाएगा इसके अंदर, ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से फंक्शन है, बिकॉज़ ये ऑनलाइन है ना, जिसके वजह से ये इसके काम हो जा रहे हैं। बस यही है कि थोड़ा इसके अपडेट चार्ज हैं बस, और कुछ नहीं। अब ये रीड हो गया, ये वीडियो अभी फर्स्ट टाइम आई थिंक मुझे कोई बनाया नहीं होगा, ये मैं बना के डाल रहा हूँ कि तब सब्सक्राइबर्स को पता चले कि ये टूल भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको कनेक्शन पता होना चाहिए फिर आप काम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपके पास टेक्निक होगा, या आप बाया OBD भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं इसको। आप गाड़ी में नहीं है, आपको डायरेक्ट गाड़ी में किसी गाड़ी में लगा दीजिए ECM और बाया OBD इग्निशन ऑन करके काम कर लीजिए। इग्निशन ऑन करना है गाड़ी, आपको कुछ स्टार्ट नहीं करना है इसके लिए, देख सकते हैं हमारा इग्निशन सिर्फ ऑन है, चेक लाइट आ रही है, पावर स्टीयरिंग स्टीयरिंग लाइट आ रही है। प्लस IC थोड़ी बड़ी रहती है, इसके लिए थोड़ा टाइम लेता है। ये ऑन टेबल भी काम हो जाएगा रीड राइड, पर थोड़े इसके कनेक्शन का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, जो कि ऑलमोस्ट हो जाएगा आपके कैन बॉक्स पे, हो जाएगा आपका काम कैन बॉक्स पे, अगर काम करेंगे तो 90% चांस है काम होने के। पर ये मैंने फर्स्ट टाइम मतलब गाड़ी में रीड करने की कोशिश की, मैं बोला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पर मैंने बोला पहले OBD थ्रू करके देखते हैं, अगर OBD थ्रू काम हो रहा है तो सबसे बेस्ट क्या है कि ये डिवाइस लेके जाइए, आपको इसका स्पीड का फाइल अगर जैसे कुछ दिक्कत है तो उसमें भी कर सकते हैं आप, या कभी ECM चेंज करना है तो आपने समझो बाया OBD रीड करके फिर दूसरा ECM लगा के बाया OBD राइड भी कर सकते हैं आप, तो आपको क्या होगा कि इसमें
फ़ायदा ये होगा कि आपको सिम खोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस इग्निशन ऑन कर देना है आपको। हाँ, जब गाड़ी में कुछ ईसीएम में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, नहीं रीड राइड हो रहा है, तो बात अलग होती है। फिर भी अगर आपके पास डेटा है तो आप डायरेक्ट डाल दो, और आपको सिर्फ कोडिंग करना पड़ेगा पूरा डेटा डालने के बाद। रीड हो रहा है, रीड होने देते हैं इसको अच्छे से। थर्टी वन हो गया है, 39 तक आई थिंक लास्ट है, 32 भी हो गया। हमारा दो डेटा रीड हो गया है, बचा है एक सिर्फ ईप्रोम, वो भी रीड कर लेंगे। रीड करके सेव करके मैंने ये डेटा रख लिया, मतलब ये डेटा क्या होगा, कल को मुझे काम आ सकता है कि कोई डेटा में डाल के आप डायरेक्ट की कोडिंग कर दो, आपका काम हो जाएगा। थर्टी फोर हो गया, 35, और कुछ देर में कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा ही लाइव दिखा रहा हूँ आपको मैं, कि मतलब इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि एडिटिंग किया हुआ है कुछ है। चाबी हमारा ऑन है, गाड़ी वही है, हो गया लग रहा है अभी। 39 दोनों सेम हो गए, सेव करने बोल रहे हैं। ओके, ओके कर देंगे। ओके, सेव हो गया। अब बचा ईप्रोम, ईप्रोम पे टच कर दे रहे हैं, ईप्रोम भी रीड हो रहा है कैसे। ओ माय, मतलब रीड हो गया एकदम, और ईप्रोम तो एकदम ही फास्ट, तो आप बोल ही नहीं सकते कि ईप्रोम रीड हुआ, क्या रीड हुआ, बहुत ही फास्ट काम हो। नाइन फाइव 320, ओके, एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा शिफ्ट का ईसीएम रीड हो चुका है बाय ओबीडी। तो अभी हम लोग इसको करते हैं डिसकनेक्ट, क्योंकि हमारा कुछ काम नहीं, हमें बस रीड करके दिखाना था। सक्सेस हो गया, कंप्लीट हो गया, बैक कर देते हैं। डिसकनेक्ट हो गया, बैक।
पूरी तरह से। अब हम लोग बायोडी केबल निकालते हैं और गाड़ी आपको स्टार्ट करा के दिखा देता हूँ मैं। गाड़ी स्टार्ट है और एसी चालू है हमारे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।